हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वाति। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रक्षाबंधन का व्लॉग लेकर आई हूं। तो उसमें मैं आपको आज दिखाऊंगी कि मैंने क्यूट्यूब से कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है, देखना बिल्कुल ना भूलें। और मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं आज अपने ब्लॉग में, तो प्लीज़ पूरा लास्ट तक देखेंगे। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मेरा लुक आज देखिए रक्षाबंधन का, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। फ़िलहाल देखते हैं हम मेहंदी कि हमने मेहंदी कैसे लगाई है। तो मेहंदी से राखी तक की सारी अपडेट देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने अपनी बेटी के हाथों में मेहंदी लगाई है, और कितनी जल्दी इस क्यूटिप से मेहंदी लगी है और कितना प्यारा डिज़ाइन लगा है। तो फ्रेंड्स, ये अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो ये ट्राई ज़रूर करिएगा। इससे बहुत प्यारी मेहंदी लगती है। जिनको मेहंदी लगानी नहीं आती है वो ये ज़रूर ट्राई करें, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन बनकर आया है, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ क्यूटिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा। फाइनली फ्रेंड्स, मैं नहा कर आ गई हूँ और अब मैं पूजा करने के लिए जाऊँगी, क्योंकि आज सोमवार है तो आज भोले बाबा का लास्ट सोमवार है, तो वो भी पूजा करने के लिए जाना है। तो जब तक मैं होकर आती हूँ, आप लोग देखिए मेरी खीर की रेसिपी। वैसे तो फ्रेंड्स, खीर बनाने का सबका अलग अलग अंदाज़ होता है। यहाँ पे मैं अपने अंदाज से स्टाइल से खीर बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध लिया है और थोड़े से चावल लिए हैं, जिनको मैंने धोकर आधे घंटे पानी में भिगो दिया था। अब हम दूध के साथ चावलों को उबालेंगे। जब चावल थोड़े से उबल जाएंगे तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध करके डालते जाएंगे और चावलों को चमचे से या मैशर से मैश कर देंगे। यहाँ पर मैंने काजू और बादाम लिए हैं ड्राई फ्रूट्स में। आप चाहें तो किशमिश, चिरौंजी वगैरह आप ले सकते हैं। मेरे बच्चे ये नहीं खाते हैं तो मैंने नहीं डाले हैं। और जब भी खीर थोड़ी सी गाढ़ी होने को आएगी तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे। लास्ट में हमारा मेन इंग्रेडिएंट आता है शुगर। इसको हम अपने स्वाद के अनुसार ले लेंगे और 5 मिनट तक इसको धीमी आँच पर ही पकाएंगे। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है कि पूरी खीर जब तक हमें बनानी है, हमारी जो गैस होगी वो सिंपर ही होगी। फ्रेंड्स, लास्ट में एक मैं टिप देना चाहूँगी कि अगर आपकी खीर पतली हो जाती है, दूध ज़्यादा डल जाता है, तो आप 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर में 2 चम्मच दूध लेकर, ठंडा दूध लेकर उसको मिक्स कर लें और उसे खीर में डाल दें। इससे क्या होगा, आपकी जो खीर होगी उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होगी, प्लस इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा और ये देखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मेरी पूजा की थाली लग चुकी है। जवे, खीर और जो ये छोटे धागे होते हैं, इनसे हमारे यहाँ पर सोना पूजा जाता है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड और बेटे ने सोना पूज लिया है। अब पूजा के बाद आती है पेट पूजा की बारी। तो आज मैंने राजमा चावल, खीर, सेवैयाँ फीकी वाली और आलू और पूड़ी की जगह आज मैंने पराठे बनाए हैं, क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाती है। ये देखिए खाना पीना हो चुका है फ्रेंड्स। अब आती है घूमने की बारी। तो हम देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, तो मेरे साथ चलेंगे ना आप भी, तो चलिए चलते हैं। तो अब हम अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़े हैं। वहाँ पर मेरी बेटी का वेट हो रहा है, क्योंकि जो मेरी बेटी है परी, वो 4 भाइयों में अकेली बहन है, तो सब लोग उसका वेट कर रहे हैं। और दूसरा, मेरी जो नंद है वो भी इस बार नहीं आ पाई हैं, तो इस वजह से भी उसका खास वेट हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पर ये मेरी नंद है आरती दीदी, ये साहिबाबाद में रहती हैं। इनको सारी अपडेट्स फ़ोन के द्वारा दी जा रही हैं, कब कब किस किस की राखी बांधी जा रही है। तो जो मेरे बड़े वाले जेठ हैं उनकी राखी बांध रही है सबसे पहले परी हमारी, और जो छोटे वाले जेठ जी हैं वो वीडियो कॉलिंग के लिए फ़ोन लेकर खड़े हुए हैं। टीका कर दिया है, अब राखी भी बांधती है। छोटे ताऊ जी की बारी आती है, तो उनके भी टीका कर दिया है और राखी बांध रही है। उधर जो हमारी नंद हैं वो वीडियो कॉलिंग पर हैं, लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। अब पापा की बारी आती है, तो पापा के भी परी ने राखी और टीका कर दिया है। अब सबसे बड़े भाई की बारी आती है सोनू की, तो परी ने ये वही राखियाँ बांधी हैं जो उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चेकआउट राखी मेकिंग वीडियो। अब सोनू के पर राखी बन गई। अब नंबर आता है मोनू का, मोनू के भी राखी बन गई है।
और जो मेरी नंद की बेटियां हैं यशवी और नव्या, वो दोनों इस समय फ़ोन पर हैं, वीडियो कॉलिंग कर रही हैं, क्योंकि उन्हें भी देखनी है भाइयों की राखी कैसे बांधी जा रही है, जो कि परी बांध रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, मोनू की भी राखी बंध गई है। अब बारी आती है शिवम की। ये देखिए कितने मजे से ये राखी बंधवा रहा है और कितनी बड़ी राखी इसने अपने लिए सेलेक्ट की है। ये देखिए फ्रेंड्स, पैसे भी मिल गए हैं उसको दो दो बार, और जो राखी हैं यशवी और नव्या की वो भी बांधी जा रही हैं। उसने काजू की बर्फी खाई है, मिठाई में खीर नहीं खाई। अब घर के जो सबसे छोटा बेटा है उसकी बारी आती है। ये हमारे घर में सबसे छोटे हैं हर्ष, इनके राखी बांधी है और इन्होंने खीर खाई है। ये देखिए फ्रेंड्स सबकी राखियाँ। अब हम दोनों गपशप के लिए बैठ गए थे, क्योंकि जो मेरी भाभी हैं उनके भाई सुबह आ चुके थे, उन्होंने राखी टीका करवा लिया था, मैं नहीं जा पाई, ना ही मेरा जो भाई है वो यहाँ पर आ पाए थे। फिर मैंने सासू माँ के साथ भी थोड़ी सी वीडियो क्लिपिंग बनाई। इसी बीच हमारे भाई का फ़ोन आ गया और वीडियो कॉलिंग की हम लोगों ने, तो वहाँ पे सबसे पहले मेरी मम्मी से बात हुई। ये मेरी मम्मी है स्क्रीन पर। अब ये मेरी भतीजी आ जाती है स्क्रीन पर, राधिका, और छोटी वाली भी आई थी, उसकी आ नहीं पाई है। भाभी से भी मेरी बात हुई थी, वो भी नहीं आ पाई। फिर आती हैं मेरी सबसे छोटी वाली बुआ जी, जो कि हल्द्वानी में ही रहती हैं, ये हैं, और इन्होंने ही मेरे भाई की राखी टीका किया है। लास्ट में आते हैं हमारे भाई साहब, हमने उनसे बात की और हमने कहा राखी दिखाओ, तो उन्होंने राखी दिखाई कि ये देखो। तो हमने इस तरह से अपना रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट किया। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये मेरी बुआ जी की राखी और मेरी राखी है। फिर हम निकल पड़ती हैं घूमने के लिए, क्योंकि सोनू और हर्ष हैं, उनको हमें घर छोड़ने के लिए जाना है और थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगी, तो अब हम उनके घर पर जा रहे हैं। के घर हम आ गए हैं। देखते हैं उन्होंने क्या क्या तैयारी की हुई है। घर पे आने के बाद हम थोड़ी देर उनके घर पर बैठे, थोड़े सा रिफ्रेशमेंट लिया, और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हम फिर अपने घर के लिए ही निकल पड़े। और अब हम अपने घर पर आ चुके हैं फाइनली। तो मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आपने पहले भी ब्लॉग पसंद किए हैं। इस तरह के ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।